परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। तो जल्दी से करता हूं मैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व, फर्नीचर और दूसरा फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर क्या है? एसेट। मोहित लाइबिलिटी, इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, डेबिटेड क्रेडिटेड। कोई डाउट? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश एसेट, सेल्स रेवेन्यू, एसेट इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, कैश डेबिटेड, सेल्स क्रेडिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट एसेट इंक्रीज, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो कैश बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। कोई डाउट? थर्ड क्लियर है? ए बी सी डी है। सी क्लियर है? डी, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जल्दी से बताएं अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक हो गया बैंक और दूसरा, श्योर करेक्ट, पहले क्या आएगा? रॉन्ग, पहले कैश आएगा, क्योंकि जब हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। एसेट एसेट इंक्रीज डिक्रीज, डेबिटेड क्रेडिटेड। कोई डाउट? पेड रेंट बाय चेक, अकाउंट्स इन्वॉल्व, पहले क्या आएगा? गुड, रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट, नेचर एक्सपेंस, सही है। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब उन्होंने तो नहीं स्पेसिफाई करा कौन सा लोन, और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कैश के थ्रू एंट्री हो जाएगी। अगर स्पेसिफाइड होता ना पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक के थ्रू ही करनी पड़ती। ओके, बट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा है, और ये मेंशन नहीं करा बैंक के थ्रू है, तो इसीलिए कैश के थ्रू। आर देयर अकाउंट्स इन्वॉल्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज डिक्रीज। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर?